हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरी ऑनलाइन चैनल के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो यदि आप एक स्टूडेंट हो और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। मैं समय समय पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो और नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर मेरा एक मार्क्स कितने बन रहे हैं एमसीए में, क्या मेरा सिलेक्शन प्री में हो सकता है कि नहीं, सर मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए अभी से कि नहीं। तो दोस्तों ये सब देखते हुए मैंने एफसीआई का पुराना जो कट ऑफ गया था, पिछली बार का कट ऑफ, उसकी एनालिसिस की है। एफसीआई कट ऑफ की एनालिसिस करके मुझे जो लगता है, मैंने एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। जो मुझे लगता है, मैं जितना बताऊंगा, यदि आपके मार्क्स उतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को 100% क्वालिफाई मान लीजिए और अभी से मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जितनी रेंज मैंने बताई है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से बताना, क्योंकि मैंने कैटेगरी के हिसाब से आपके मार्क्स बताए हैं। सबसे पहले एफसीआई एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एफसीआई 2019 का कट ऑफ सिर्फ इतना रहेगा, ये आप जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, एक दो नंबर प्लस माइनस होता रहता है, उसमें इतना देखने की बात नहीं है, क्योंकि चार जोन है, चार पांच जोन है, अलग अलग जोन से अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो एक दो नंबर का डिफरेंस हर जोन में हो सकता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा को आपको 5 से 6 नंबर का वेरिएशन मिले, बहुत कम वेरिएशन मिलेगा, 1 या 2 नंबर का बस। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपके एफसीए 2019 के एग्जाम में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो प्री एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आप मेंस की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि लोग रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं और फिर उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जितना टाइम जरूरी है आज के कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं हम कि कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है प्री का। तो दोस्तों चलते हैं एफसीआई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019। दोस्तों एक बात आप बताइए, ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि फॉर्म फिल आप लोगों ने किया, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ईडब्ल्यूएस का इसमें अलाउ था कि नहीं, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से वैकेंसी निकली हुई थी कि नहीं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी इनके लिए रिजर्वेशन है, उसी प्रकार जो 10% आरक्षण जनरल लोगों के लिए मिला है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है जनरल के लोग, उनके लिए 10% आरक्षण मिला है, तो क्या एफसीए में ये अलाउ हो गया था कि अभी अभी अलाउ हुआ है? अगर उनका अलाउ हो गया होगा तो उनका कट ऑफ बिल्कुल है, उनके कट ऑफ में भी बहुत कुछ फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं, तो आगे चल के इसमें काफी लोगों के सर्टिफिकेट बन जाएंगे, तो है ना, इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट से इसको डाला है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अभी अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं कैटेगरीज बाय कट ऑफ बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से 65+ हैं, आपके 60 से लेकर 65 के आसपास ही अगर मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब आप ये मत बोलिए कि सर मेरे मार्क्स 58 बन रहे हैं तो हो पाएगा कि नहीं, बिल्कुल 60 से 70 65 के बीच के रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं या थोड़े बहुत एक दो नंबर कम और ज्यादा भी होते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने की 99% चांस है, बल्कि ये तो प्री एग्जाम है, आपके 100% चांस मान के चलिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपके 55 और 60 के बीच लगभग मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मालूम है कि ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका कट ऑफ इससे भी कम जाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये उन जनरल वालों के लिए है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल नहीं किया है। यदि आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है तो अभी तो आपके ओबीसी से भी कम कट ऑफ जाने के चांस हैं। दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स जो है 55 से 60 के बीच आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी मेंस की। और यदि आप ओबीसी की फीमेल हैं और आपके मार्क्स 50 से 55 के बीच हैं, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं अभी से। दोस्तों यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं लगभग 50 से 55 के प्लस समथिंग आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा प्री में। आप बेधड़क अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। और यदि आप एससी कैटेगरी की फीमेल हो, आपके मार्क्स जो है 45 से 50 के बीच आ रहे हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल। दोस्तों यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एसटी कैटेगरी की मेल हैं और आपके मार्क्स 45 से 50 के बीच लाई कर रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा प्री में। मेंस की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाने के चांस हैं और ज्यादा ही जाएंगे, मेंस में कट ऑफ ज्यादा ही जाता है।
क्योंकि वो फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी मेंस की। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं और आपके मार्क्स 42-45 बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और ऐसे लोग जिन्होंने फुल में फुल सारे क्वेश्चन करके आए हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, उनको लॉस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ इसमें आपका एफिशिएंसी भी देखी जाती है कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके बताइए कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, पेपर का लेवल बताइए और बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी स्टूडेंट बैंक के हैं, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। लेकिन हाँ, जो एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था कि चलो एफसीआई का फॉर्म निकला है, हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे लोगों को काफी दिक्कत महसूस हुई होगी एग्जाम देने में, लेकिन बैंक की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों का इसमें जरूर हो जाएगा क्योंकि वो सेम पैटर्न बैंक पर आया हुआ है ना। आईबीपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो वैसे ही पैटर्न आया होगा, बिल्कुल सेम। तो बताइए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।